आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुट्टू के आटे से व्रत के लिए स्वादिष्ट दानेदार मोतीचूर जैसे लड्डू की रेसिपी। बहुत ही जल्दी बहुत ही कम घी तेल में बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप एक दिन बनाइए और पूरे 9 दिन खाइए। इसका टेस्ट लाजवाब होता है। लड्डू का टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट दानेदार, मुँह में जाते ही घुल जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी बेल की बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो कुट्टू के आटे के लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम कुट्टू का आटा लिया है, या 200 ग्राम का पैकेट है। कटोरी से मेजर करें तो यह थोड़ी बड़ी कटोरी में एक कटोरी आटा है। अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें 3 चम्मच घी डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी आटे में घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर टाइट डो बना लेंगे। ध्यान रखना है कि पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो इस तरह से मैंने इसका टाइट डो बना लिया है। अब हाथ को घी से ग्रीस कर लेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब इसे चपटा कर लेंगे। इसे ना ज़्यादा मोटा करना है ना ही ज़्यादा बारीक करना है। तो इस तरह से मैंने सभी पेड़े रेडी कर लिए हैं। इधर गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें 4 टेबल स्पून घी डाल देंगे। आप चाहें तो व्रत में जो भी तेल खाते हैं उस तेल में भी आप इसे बना सकते हैं। जब घी गर्म हो जाए तब हम इसमें एक एक करके पेड़े डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम पर ही रखेंगे। इन्हें अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब यह अच्छे से ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब हम इन्हें निकाल लेंगे। ऐसे ही हम बाकी के पेड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने बाकी के पेड़े भी फ्राई कर लिए हैं। यह घी बिल्कुल भी नहीं सोखते हैं। देखिए जितना घी हमने डाला था थोड़ा बहुत ही फ्राई करने में लगा होगा, बाकी बच गया है। अब हम पेड़ों को छोटा छोटा तोड़ लेंगे। तो इस तरह से मैंने पेड़ों को तोड़ लिया है। अब इसे फैन के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम लड्डू के लिए चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए उसी कढ़ाई में जिसमें हमने कुट्टू का आटा फ्राई किया था बचा हुआ घी निकाल लिया है। अब इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे। जिस कटोरी से हमने कुट्टू का आटा लिया था उसी कटोरी से हमने पानी डाला है। गैस ऑन कर देंगे। अब इसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी भी डाल देंगे। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो चीनी थोड़ा कम भी कर सकते हैं। इसे चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। गैस की फ्लेम अभी फुल पर ही रखेंगे। मैं इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल रही हूँ। आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए। अगर आप व्रत में इलायची पाउडर खाते हैं तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं नहीं खाती हूँ तो मैं नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ, यह ऑप्शनल है। मुझे वीडियो बनाना था, देखने में अच्छा लगे, इसलिए मैं फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आप घर में खाने के लिए बना रहे हैं तो बिना फूड कलर के ही आप लड्डू बना सकते हैं। अभी चाशनी में उबाल आ गया है और चाशनी पकने लगी है। इसे 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। इसकी हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़ा सा पका लेना है। जब तक चाशनी पक रही है तब तक हमने जो कुट्टू के आटे के पेड़े तोड़ कर रखे थे ये ठंडे हो गए हैं। इन्हें हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है। इधर चाशनी भी पक गई है और थोड़ा चिपचिपी हो गई है। अब मैं इसमें थोड़े से काजू और बादाम बारीक कट करके डाल रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर इसे बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। अब हमने कुट्टू के आटे के पेड़े जो ग्राइंड करके रखे थे इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा डेसिकेटेड नारियल भी डाल सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा लिक्विडी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे यह थिक हो जाएगा। 4-5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार की कंसिस्टेंसी का हो गया है। अब गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे यह ठंडा होगा और भी थिक हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि लड्डू का मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हाथ को घी से ग्रीस करेंगे और लड्डू के मिक्सर में से थोड़ा सा पोर्शन लेकर गोल गोल लड्डू बना लेंगे। छोटे बड़े जिस भी साइज के लड्डू आपको बनाने हैं आप बना लीजिए। ऐसे ही हमें सभी लड्डू बना लेने हैं। तो इस तरह से सभी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर थोड़े से बादाम के कतरन से गार्निश कर देंगे। तो अभी हमारे टेस्टी यम्मी डिलीशियस कुट्टू के आटे के लड्डू रेडी हैं। देखिए कितने बढ़िया दानेदार मोतीचूर जैसे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें नवरात्रि में बनाइए, खाइए और खिलाइए। मुझे उम्मीद है यह रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में
एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और इंजॉय कीजिए।